कानपुर की घटना के बाद गोरखपुर जोन में भी अपराधियों पर कार्यवाही के लिए एडीजी जोन दावा शेरपा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि साथ ही पड़ोसी मुल्क नेपाल बॉर्डर भी चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिसके संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि थानों के हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर को जीवनी खंगाली जा रही है। अगर कोई हिस्ट्रीशीटरों को आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि नेपाल का बॉर्डर खुला होने के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। एसएसबी के साथ पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इस संबंध में गोरखपुनी से विशेष बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, ये विशेष रूप से उन अपराधियों जैसे जो एचएस वगैरह है जिनके अचानक रुतबा या उनके जो वो किसी प्रकार से अपने फिर सिर्फ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दोबारा से सूची बनाया जा रहा है ताकि उस पर फिर से कार्रवाई दोबारा सुनिश्चित हो। सर, बॉर्डर सफा सटा हुआ नेपाल से तो काफ़ी अपराधियों भागने की संभावना है, क्या अलर्ट किया गया? नेपाल बॉर्डर ऑलवेज हमारे प्राथमिकता में हम लोगों ने रखा है क्योंकि वो बॉर्डर एक तो खुली बॉर्डर होने के साथ साथ बहुत तरह के चीज़ों को सामान तथा लोगों का आना जाना रहता है और इसी आड़ में जो समाज विरोधी तत्व है या ऐसे वस्तु है तो इसको देख के हम लोग लगातार एसएसबी के साथ मिलके उसमें जो पेट्रोलिंग है चेकिंग है ये कराते रहते हैं और कई बार नेपाल में कुछ अपराधियों ने अपना पहले भी पूर्व में भी नेपाल में भाग के अपना छुपने का हाइड आउट बनाया था तो वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं।